अब मैंने यहाँ एक और एग्जांपल लिखा, एज प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन आर बॉडी, यानी कि हमारी ये जो बॉडी है इस पर एज यानी कि उम्र अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ई वाला इफेक्ट यूज किया है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एज से इफेक्ट होती है, उम्र के साथ साथ हमारी स्किन में भी चेंज आता है, आवाज में भी चेंज आता है, यानी कि ये जो उम्र है हमारी बॉडी पे अपना हर साल इफेक्ट डालती है और आप धीरे 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 करके बूढ़े हो जाते हैं। सो एज प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन आर बॉडी, तो एज क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी क्या हो रही है, ई वाला इफेक्ट, आपकी बॉडी पे उसका असर पड़ रहा है, ई वाला इफेक्ट। ऑलराइट, सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आप कहां पे ई वाला और कहां पे ए वाला अफेक्ट यूज करना है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, जाते जाते मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि मेरी इस वीडियो ने आपको अफेक्ट किया या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरे साथ इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन करने के लिए ईमेल आईडी पे आप मेल करिएगा, सभी इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएंगी। नाउ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर एंड बाय बाय।